मोस्ट वेलकम डियर फ्रेंड्स, मैं संतोष सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रजिस्टर पर। क्लास 12th की देखिए, जो बालिकाएं हैं उनका गृह विज्ञान का पेपर होता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात यह है डियर फ्रेंड्स कि देखिए, आप लोगों के पास बिल्कुल भी समय नहीं है। सबसे बड़ी बात तो देखिए ये है, तो जितने भी बच्चे हैं जिनका कि होम साइंस है, जो कि रेगुलर स्टडी के लिए कहीं नहीं जा पाए हैं, तो उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बस डीजे चैनल पर जुड़े रहें और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करते रहें। एग्ज़ाम आते आते तक उनको पूरा का पूरा तैयारी करा लिया जाएगा। यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट को जाकर देखिए, डीजे सचिन का पेज खोलिए, उसमें प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर देखेंगे गृह विज्ञान कक्षा 12 महत्वपूर्ण प्रश्न के नाम से श्रृंखला मिलेगी आपको। उसमें कम से कम 15 से 20 वीडियो आपको मिलेंगे, वहाँ से आप लोग उन प्रश्नों को जरूर देखिए। तो डियर फ्रेंड्स, उन प्रश्नों को आप रिविजन जरूर करिए, सभी जो प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को हम लोग। और सभी जो प्रश्न हैं उनको मोस्ट इंपॉर्टेंट तो समझ कर ही पढ़िएगा, क्योंकि देखिए ये सभी प्रश्न कब आपको रिविजन के रूप में मिलेंगे। तो डियर फ्रेंड, चलिए हम लोग पहले प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये पहला प्रश्न है हम लोगों का, शरीर में श्वेत रक्त कणिकाओं का क्या कार्य है बताइए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सवाल है रक्त के चैप्टर से। देखिए श्वेत रक्त कणिकाओं और लाल रक्त कणिकाओं, ये दोनों ही प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आइए देखते हैं इस प्रश्न के उत्तर को। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट डियर फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये चीज़। तो यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है आपका, शरीर में श्वेत रक्त कणिकाओं का क्या कार्य है, इनको हम समझते हैं। देखिए शरीर के लिए देखिए सफेद रक्त कोशिकाएं बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। यह संक्रामक बीमारियों से देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो इसका काम होता है, प्रतिरक्षी एक तरीके से कहा जाता है इनको ना, और ये रक्षा शरीर को रक्षा प्रदान करती हैं। कौन? जो रेड ब्लड सेल होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। संक्रामक रोग जो होता है सबसे ज्यादा देखिए श्वेत रक्त कणिकाओं पर ये प्रभाव डालती है और बाहरी हानिकारक प्रभाव से शरीर की रक्षा करती है, ठीक है। इसी वजह से यह कोशिका जो है प्रतिरक्षा तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा माना। देखिए प्रतिरक्षा एंटीजन के रूप में भी देखिए इसको ये यूज करते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र का यह काम करती है। कौन? श्वेत रक्त कणिकाएं, ठीक है डियर फ्रेंड्स। और बाहर से आने वाले जो संक्रामक होते हैं उनको गेट पर ही खड़े रहते हैं उनके सैनिक और ये युद्ध लड़ते हैं। बीमारियों से बचाव के लिए इनका स्तर सामान्य बनाए रखने की जरूरत होती है। देखिए बीमारियों में तो क्या होता है, बहुत तेजी से घटते हैं, ठीक है डियर फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो संक्रामक बीमारियों से जो लड़ने का काम करता है वो कौन है? श्वेत रक्त कणिकाओं का ही काम, डियर फ्रेंड्स याद रखिएगा, श्वेत रक्त कणिकाओं का ये सबसे महत्वपूर्ण काम है। तो डियर फ्रेंड्स देखिए इस तरीके से क्या होता है, श्वेत रक्त कणिकाएं जो अपना कार्य करती हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, श्वेत रक्त कणिकाएं, ठीक है। और लाल रक्त कणिकाओं भी डियर फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दोनों प्रश्नों को देख कर जाइएगा आप लोग। आइए बढ़ते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों में हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर। देखिए दूसरा हम लोग का प्रश्न क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण यह प्रश्न है, यह भी प्रश्न है आपका। प्रश्न को मैं पहले रिपीट कर दे रहा हूँ, देखिए ध्यान से। बाल मृत्यु दर पर निर्धनता के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न को देखिए ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाल मृत्यु दर पर निर्धनता के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और हमारे देश की निर्धनता को भी कहीं ना कहीं से यह व्यक्त करता है। देखिए इसको तो बाल मृत्यु दर पर निर्धनता का प्रभाव 3 स्तरों पर देख सकते हैं हम लोग। देखिए प्रसव से पूर्व क्या होता है, गर्भावस्था के दौरान, गर्भावस्था में निर्धनता के कारण जो होता है गर्भवती महिलाएं संतुलित एवं पौष्टिक आहार नहीं ले पाती। जाहिर सी बात है हम लोग के देश की ये सबसे बड़ी समस्या है, संतुलित और पौष्टिक आहार न ले पाना। गरीबी कारण लोग क्या करते हैं, लोग को जीने भर तो भोजन मिल ही नहीं पा रहा है और पौष्टिक आहार कहाँ से मिलेगा, ठीक है, जिससे शिशु की मृत्यु होने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। प्रसव के दौरान धन की कमी के कारण अनेक महिलाएं प्रसव कराने के लिए अस्पतालों में नहीं जा पाती। तो ये भी कहीं ना कहीं से रिएक्शन जो निकल कर आते हैं। बाल मृत्यु दर पर निर्धनता का प्रभाव देखिए बहुत ज्यादा है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, बालक की मृत्यु दर में इजाफा देखने को मिलता है, मृत्यु ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो कुछ पहल क्या करना चाहिए, स्वास्थ्य पर जो है हम लोग के देश को या केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को मिलकर काम करना चाहिए ताकि वो लोग बाल मृत्यु दर पर निर्धनता के प्रभाव को दूर कर सकें, ठीक है डॉक्टर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप जरूर देखिएगा, प्रश्न संख्या 2, और इंपॉर्टेंट है आपके करंट के हिसाब से भी यह प्रश्न। तो डॉक्टर बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न क्या है, यहाँ प्रश्न में महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी। तो तीसरा हम लोग का देखिए प्रश्न क्या है डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर अब बाल मृत्यु दर पर निर्धनता के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए, तो आप जान ही गए थे, ठीक है, उसी प्रश्न को देखिए। यहाँ पर लग रहा है हमारे एडिटर साहब ने कई प्रश्न को 2 बार कर दिया लग रहा है। अब देखिए चौथा प्रश्न हम लोग का डियर फ्रेंड्स क्या है, यहाँ पर चौथा प्रश्न आपको दिख रहा है सामने, सास बहू के संबंध में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछता बहुत तेज है। देखिए सास बहू के संबंध में जो सास बहू के संबंध पर क्या करना है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, ठीक है, बहुत ही ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, ठीक है। तो बहू को देखिए क्या करना चाहिए, सास के प्रति माता का भाव रखना चाहिए, और जस्ट इसी का उल्टा भी ले लीजिए कि सास को भी बहू के प्रति किसका भाव रखना चाहिए, वो पुत्री का भाव रखना चाहिए। उसको ये ना समझे कि नहीं दूसरे की लड़की मेरे यहाँ आई हुई है, उनको ये लगना चाहिए कि ये हमारी ही लड़की है, ठीक है। बहू को सास के प्रति माता का, तो सास को भी बहू
बेटी के समान भाव रखना चाहिए। ठीक है रिलेशन, तभी जाके क्या करता है, देखिए एक हाथ से ताली नहीं बजती, तो दोनों लोग अपना सहयोग जब तक नहीं देंगे लोग, तब तक ये संबंध बेहतर नहीं बना रहेगा। तो बहू को सास के प्रति माता का, और माता का जो सास है बहू को क्या करना, पुत्री के रूप में समझे, उन्हें आदर सम्मान तथा स्नेह देना चाहिए। इससे सास बहू के रिश्तों में क्या होती है, मधुरता आएगी, जाहिर सी बात है। और बहू का जो व्यवहारिक जीवन होगा, वैवाहिक जीवन, वो क्या होगा, बहुत ही बेहतर तरीके से होगा। ठीक है डियर, तो ये चीज़ याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो वैवाहिक जीवन जो होगा वो सुखद होगा, होने के साथ ही परिवार का वातावरण भी शांतिपूर्ण और खुशहाल रहेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। कलह और क्लेश की जब बात होती है डियर, तो देखिए कलह और क्लेश, तो क्लेश क्या होता है, दो परिवारों के बीच में होता है, दो अलग अलग घर परिवारों के बीच में, अलग अलग घरों के बीच में। लेकिन क्लेश जो होता है, कलह जो होता है, कलह क्लेश, तो कलह जो होता है वो एक ही घर के अंदर होता है। तो जब ये कलह आ जाता है तो वो ज्यादा हानिकारक हो जाता है लोगों के लिए। ठीक है, तो शांतिपूर्ण और खुशहाल जीवन के लिए ऐसी संबंध को मतलब बनाने के दोनों ही तरफ से बढ़िया व्यवहार होना जरूरी है। साथ ही सास को बहू के समय अड़े होने के से बहू का अपने पति से भी रिश्ता मजबूत होगा। बहू के समय देखिए देखिए सास से जो सास अगर बहू के सामने अगर अच्छे से रहती है, अच्छा व्यवहार दिखाती, तो बहू का अपने पति से भी रिश्ता क्या होता है, मजबूत बना रहेगा। और अगर यहाँ पर जो रिश्ता खराब होता है, तो जाहिर सी बात है पति से भी रिश्ता खराब होता है। तो उसके पीछे देखिए बहुत से तथ्य हैं, बहुत से कारण है, ठीक है, जिसके पीछे कई लोग मुख्य रूप से जिम्मेदार होते हैं। तो यदि वो अगर ऐसे व्यवहार को नहीं दिखाते हैं, तो भाई उसका प्रभाव एक लोगों पर प्रभाव का गुस्सा और कई रिश्तों पर देखने को मिलता है। तो डियर फ्रेंड्स, तो आप लोग तो खुद ही समझदार हैं कि क्या करना चाहिए लोगों को। ये बढ़ते हैं हम लोग पांचवें प्रश्न की ओर। देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है आपका, पांचवा प्रश्न भी, और एक प्रश्न आपका रिपीट कर गया है। देखिए पांचवा प्रश्न क्या डियर फ्रेंड्स, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बाल विवाह से होने वाली हानियों का उल्लेख कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बाल विवाह से होने वाली हानियां, जाहिर सी बात है कि बहुत ही कम समय में अगर हो जाती तो बाल बालिकाएं तो उतनी सशक्त रहती नहीं है, और साथ ही साथ बालक भी, तो अस्वस्थ संतान बाल विवाह के कारण संतान शीघ्र उत्पन्न होने से और अपरिपक्व द्वारा न को जन्म दिया जाता है, ठीक है, जिससे बच्चों का स्वास्थ्य सही नहीं रहता है। इससे जो होती है बाल मृत्यु को भी बढ़ावा मिलता है। तो ये बाहर नहीं रहेगा, यहाँ पर बाल मृत्यु हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, बाल हो जाएगा, बाल मृत्यु, तो ये हो जाएगा। अभी थोड़ा सा हम लोग को लिखने में प्रॉब्लम होता है, नया नया चीजें है ना। तो डियर सर देखिए यहाँ पर क्या होता है, बाल मृत्यु को बढ़ावा मिलता है। तो जाहिर सी बात है बाल विवाह मिलता है तो उसमें जो नारी जिसके गर्भ से बच्चा जन्म लेता है, तो खुद भी वो सशक्त तो नहीं रहती है, वो खुद नहीं जानती कि नहीं हमारे साथ क्या होने वाला है, क्या चीजें होने होंगी, इनका क्या महत्व है क्या नहीं है। तो जाहिर सी बात है खुद उसका बलकाना जीवन है या बाल व्यवस्था खुद उसका है, अब उसको खुद एक बालक की जिम्मेदारी मिली तो वो कैसे निभा पाएगी। तो जाहिर सी बात है कि ये चीजें उत्पन्न होती हैं। तो बाल विवाह से होने वाली बहुत सी हानियां हैं, जिसमें कुपोषण का शिकार वगैरह देखते हैं, और कई प्रकार के जैसे बालकों में रोग मिल जाती है, और माँ से ही डालते हैं बच्चे का संबंध रहता है, पैदा होने का 5 महीने 4 महीने 6 महीने तक, तो माँ को अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो लड़के को प्रॉब्लम नहीं देखते हैं, स्वाभाविक को देखने को मिलता है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि उनका भी देखभाल और सही समय पर बाल विवाह को भी रोका जाए, और उसको जो सही आयु सीमा भारत सरकार या तो जिस भी राज्य की देश की सरकार या जिस भी राज्य की सरकार जो सीमा निर्धारित करती है, उन्हीं सीमा के हिसाब से काम होना चाहिए, ठीक है डियर। तो ये रहे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, प्रश्नों की सीरीज ऐसे ही जारी रहेगी और सभी जो प्रश्न होंगे वो ऐसे ही आप लोग को नियमित रूप से मिलते रहेंगे। उसके लिए आपको छोटा सा एक काम करना है, इस चैनल पर जुड़े रहना है, और जो मेरा नंबर है 950-690-2727, उसको उसे खुद भी स्टडी करें और लोगों को भी उससे स्टडी करवाएं। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि बहुत से बच्चे इससे लाभान्वित हो सकें और फ्री में अपने एजुकेशन को प्राप्त कर सकें। 950-690-2727, ये कहीं पर भी आप देखेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो हमारा नंबर मिल जाएगा आपको, बहुत सी वीडियो मैंने दे भी रखा है, तो आप इस पर मैसेज करके आप आसानी से ग्रुप में जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करिए, ठीक है। और मेरी एक बात जाते जानते हैं समझ सुन लीजिए, चलते चलते मेरी ये बात याद रखना, इसे शेयर करना ना भूलना, इसे शेयर करना ना भूलना। तो डियर फ्रेंड्स, अपनी तैयारी के साथ ही साथ इस वीडियो का लिंक जो है उसे अपने क्लासमेट पर शेयर भी जरूर करते चलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय ग्रहों से विनम्रता पूर्वक धन्यवाद।